हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे व्यूअर रिक्वेस्टेड वीडियो अनर्सा। इसे बनाना आसान है, पर इसे बनाने में 4 से 5 दिन लगते हैं। इसकी कुछ प्रोसेस रहती है, उन सभी को फॉलो करना जरूरी है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इसमें जितने भी टिप्स हैं 4 से 5 दिन में जिन जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सभी को मैंने इसमें बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं अनर्सा। ये है अनारसे के इंग्रेडिएंट। 1 कप मोटे वाले चावल लीजिए, इन्हें धो लीजिए, फिर इसमें पानी भर के इसे 2 दिन तक भीगने दीजिए। भिगाते समय इस पे छन्नी रखिए, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाएगी। और 2 दिन के बाद इसे पानी में से निकाल लेना है और एक कपड़े पे इसे सुखा लेना है। 20 मिनट इसे सूखने दीजिए। उसके बाद इसे कपड़े पे से निकाल लीजिए और ग्राइंडर वाले पॉट में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। ये इस टाइप का हल्का सा गीला रहता है। ग्राइंड हो जाने के बाद इसे छानना है। इसे छान लीजिए, पर इसमें जो मोटे वाले पार्ट है उसे इसमें डबल से नहीं डालना है, उसे फिर से हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसे चीनी के साथ ग्राइंड कर लेंगे। 1/4 कप चीनी डाल दीजिए, इसमें ही साथ में ही दोनों ग्राइंड हो जाएगा। और इसे भी अब छान लेंगे। ये चीनी है और इसमें थोड़ा सा जो चावल बचा हुआ था वो है, इसे भी छान लीजिए। अब दोनों को अच्छे से मिला दीजिए। ये हल्का सा गीला लगेगा क्योंकि चावल में थोड़ा सा मॉइस्चर था। अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए और एक कंटेनर में रखते जाइए। इसे हमें 1 से 2 दिन तक रखना है, उसके बाद ही बनाना है। 1 दिन के बाद भी आप बना सकते हैं, पर 2 दिन बाद बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसे ड्राई ही ग्राइंड करके पहले देख लीजिए। अगर ये फिर भी सूखा सूखा लगता है तो इसमें फिर हम 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए थोड़ा ड्राई लग रहा है, पर कभी कभी इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है तो दूध डालने की जरूरत नहीं रहती है। पर अगर ड्राई लग रहा है तो छोटे चम्मच से 1 से 2 चम्मच दूध डाल दीजिए, फिर से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए ये इस टाइप का हो जाना चाहिए, इतना गीला होना चाहिए। इसका एक छोटा सा लड्डू बना के देख लीजिए। अगर बन रहा है बिल्कुल बिना टूटे तो ये परफेक्ट है, नहीं तो थोड़ा सा दूध और डालने की जरूरत है। और अगर ड्राई लग रहा है तो इसमें एक और लड्डू मिला लीजिए और फिर से ग्राइंड कर लीजिए, ये ड्राई हो जाएगा। और तेल में या फिर घी में छोटा सा एक पार्ट डाल के देख लीजिए, अगर ये नहीं फट रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट है। घी में ये फूट नहीं रहा है तो छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लीजिए। और फिर चकले पे या किसी बर्तन पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और हाथ से इस टाइप से इसे फैला लीजिए। हाथ में भी थोड़ा सा तेल लगाना है जिससे इसे उठाने में आसानी होती है। इस टाइप से 4-5 बना के रख लीजिए। अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते हैं तो चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं। चम्मच में तेल लगा लीजिए और इसे फैला लीजिए। अब इसके ऊपर खसखस लगा दीजिए। खसखस के बदले आप तिल्ली भी लगा सकते हैं, पर खसखस से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब घी को गर्म होने दीजिए। घी में तलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें डाल दीजिए जिस तरफ से खसखस लगाई है वो पार्ट ऊपर होना चाहिए। इसे हम पलटेंगे नहीं, एक ही साइड से तलेंगे, पर चम्मच से इस टाइप से उस पे तेल डालते जाएंगे या फिर घी डालते जाएंगे, जिसमें भी तल रहे हैं आप। और ये जैसे ही थोड़ा सा नीचे से रेडिश हो जाए इसे निकाल लीजिए। इसी टाइप से सभी अनर से तल लीजिए, पर ध्यान रखना है कि इसे पलटना नहीं है, फ्लेम को बिल्कुल लो ही रहने देना है और चम्मच से ऊपर से घी डालते जाना है। देखिए एकदम परफेक्ट जाली आ गई है इसमें। आप 4 से 5 बना के रखते जाइए और फिर तले तो तलने में आसानी होगी। चावल सुखाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि इसे धूप में नहीं सुखाना है, छांव में ही सुखाना है। और तलते समय इसे लो फ्लेम पे ही तलना है, इसे पलटना नहीं है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए तैयार है अनारसे। वाओ, एकदम परफेक्ट जाली आई है, एकदम परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट और सजेशन दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको सबसे पहले मैसेज आ जाए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।